दो मंकीज ने एक कुत्ते का बच्चा पकड़ लिया और बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठे हुए हैं। यहाँ पे इसके पीछे चले गए। उतरत है उठा के, अब जंप लगाएगा साथ में पकड़ के रखेगा उसको एक हाथ से। वो मंकी दूसरी साइड चला गया ना, अब मैं भी अब इधर से आएगा या उधर से आएगा, दोनों साइड से कैप्चर कर लेते हैं उसको। वो है ना उधर जाने वाला है। ये रहा आ गया। ये दूसरा है। लोग वैसे ही उसको पहले डरा चुके हैं ना, गुलेल वगैरह मार रहे थे तो उसको पहले ही वार्न हो रखा है ना कि मेरे कुछ पकड़ के करने वाले हैं, तो वो तो हमको देख के ही भाग जा रहा था। अगर आगे आपको लगता है कहीं वो बंद हो गया या किसी एरिया में, तो आप तब कॉल कर सकते हैं ना। जैसे खेल खेल में बच्चे कई बार पपीज उठा लाते हैं, बंदरों के लिए भी कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को उठा लेना कोई नई बात नहीं है। लेकिन बच्चों की ही तरह बंदरों को भी नहीं पता कि कुत्तों का ध्यान कैसे रखना है, जिसका खमियाजा उठाते हैं उनके नए नवेले पेट्स। अब बंदरों को तो कौन ही समझाएगा, लेकिन बच्चों को तो हम समझा ही सकते हैं। और अगर इसमें आपको थोड़ी मदद की जरूरत है तो आप हमारा कार्टून चैनल देख सकते हैं। हॉस्पिटल से बछड़ा आया है, ये कितना सुंदर है, गृह प्रवेश तुम ही करा दो यहाँ तक तो इसका सारा इसको प्यार कर रही है और ये बछड़ू भी सारा को प्यार कर रहा है। तो इसके पास दूध नहीं है, माँ सबको चाहिए। अब ये जाएगा राजकुमार के पास दूध ढूंढने। तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं मेरे रूम में, क्योंकि काफ़ी छोटा है, रात को इसको दूध भी पिलाना होगा, इसका ध्यान भी रखना होगा। पुली भी आ गई है इससे मिलने के लिए, और ये है इसका नया बेड। इसको देखो, बदमाश को झिलमिल विलमिल सब हेलो बोल रहे हैं इनको। ये इसको देखो कितनी जल्दी है ना इसको इससे मिलने की। मूली वूली सब पप्पी देंगे अभी इसको। ले मेरे रूम में एक तो खास बात है, सब एक साथ रहते हैं मिलके। MC ऑफिस से कॉल आया था अभी ना। ये एक डॉग है, बोल रहे बहुत एग्रेसिव हो गया है, 5-7 लोगों को काट लिया उसने सुबह से, और अब वो बोल रहे हैं कि इसको लेकर जाओ नहीं तो लोग पॉइजन डाल के मार देंगे उसको। दो बंदों को आज काटा इसने, कम से कम हफ्ते में लगा लो 4-5 बंदों को आराम से खा गया है। मैं इधर खड़े हो रहा हूँ ना, ऊपर को ट्रैप होने दे, पीछे रहना। निकल गया, कहाँ कूदा? ओ तेरे, फंस गया। चला गया ऊपर से, छत से कूद गया, परे को निकल गया। काटता है ये? नहीं काटता। कोई बोल रहा काट रहा है, कोई बोल रहा नहीं काट रहा है। काटता है क्या? नहीं काटता। ये बोल रहे हैं जो बंदा भी गया ना, ये गए थे घर अपने 2 महीने के लिए ना, इनके पास रहता था पहले ये, उसके बाद से ये काटना स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं, किसी को नहीं काटता। अच्छा, उनका डॉग है? आया था मतलब उनके पास में, खाने को डाला होगा तो वहीं रह गया। हमसे डर रहा है ना एक्चुअली, हम तो सोचा मेरे को लगा कि काटने को आएगा तो मैं पकड़ दूंगा, वो तो भाग ही गए। दौरा पड़ता है उसको और कुछ नहीं है, मेंटल हो गया। मेरे को लग नहीं रहा उसको ले जाने की जरूरत है, क्योंकि रेबीज वगैरह होगा वो कुछ कर सकते हैं, ऐसे तो बाकी लोग हाथ वगैरह लगाते हैं, फ्रेंडली है तो भाग गया, तो अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगर ट्राई करेंगे। हाय मोनिका। हाय मेरा बेटू। हाय मेरा बेटू, आ जाओ, चलो चलो, गुड गर्ल। ये मोनिका है, और एक्चुअली ये मोनिका है, और मोनिका को प्रोलैप्स का इशू था जब ये हमारे पास पहुंची थी। हमने इसकी सूचरिंग की थी प्रोलैप्स अंदर करने के बाद, सूचरिंग इसलिए की थी ताकि वहां पर एक बैरियर बन सके और वो प्रोलैप्स दोबारा बाहर ना आए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, टोटल 4 दिन हो चुके हैं, और कोमल इसको रोज इस तरह से वॉक पे निकालती है ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स रहे। इनिशियली तो ये काफी स्ट्रेस में आ गई थी, पेन भी बहुत ज्यादा था, बट अभी डॉग ठीक है, रिलैक्स्ड है। हमें इसको कोन पे आना पड़ा क्योंकि ये पीछे बार बार सूचर्स की वजह से इरिटेशन में लग कर रही थी, बट अभी सब कुछ थोड़ा सा ठीक नजर आ रहा है। अभी हम एक गाय को ट्रीट करने आए हैं, उसको शायद मस्टाइटिस लग रहा है, तो हम उसको भी चेक करेंगे और उसके बाद हम फिर उसका रेस्क्यू का डिसीजन लेंगे। पालतू गाय है ये? नहीं, किसी ने आवारा छोड़ रखी है, अभी उसने बच्चा दिया हो उसका, वहाँ पे दूध नहीं निकल रहा है इसलिए बच्चे को पीने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये
जी, उसको बच्चे को जो है और किसी दूसरी गाय का दूध पिला रहे हैं। बच्चा ये है इसका। करो ना, चार पांच दिन हो गए बच्चे को, तो हमने सुबह दूध पिला दिया इसको, ये भी जाने वाला था। दूध तो नहीं निकल रहा किस भी थन में, नहीं। थोड़ा सा साइफन डाल के देखते हैं एक बार कि एक छेद ही बंद है, कि हो सकता है कि क्रॉनिक मस्टाइटिस पहले से रही, उसको फाइब्रोसिस हुई हुई है। कई बार इन्फेक्शन चला जाता है टीट से ना अंदर, तो अडर में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार गाय, जैसे कि हम जब जैसे गाय बच्चे का दूध पीती है, तो कई बार गाय बैठ जाती है उसके बाद डायरेक्टली, या हम गाय को दूधते हैं उसके बाद हम उसको खाने को नहीं देते हैं, तो वो फिर एकदम से बैठ जाती है, नीचे गंदगी होती है, गोबर पेशाब, उससे कई बार अंदर सेटल हो जाता है इन्फेक्शन। इसीलिए जब हम गाय को दूधते हैं उस टाइम पे हम उसको खाना देते हैं, ताकि कुछ टाइम पे वो खड़ी रहे थोड़ी देर तक, ताकि वो जो स्फिंक्टर अपना क्लोज हो जाए, फिर गाय हो सकता है कि मस्टाइटिस भी हो। कई बार इन्फेक्शन चला जाता है टीट से ना अंदर, तो अडर में इन्फेक्शन हो जाता है, सारे बंद है। तो इसको हम अभी लेके ही जा रहे हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे हमने सोचा ट्रीट ऑफ फीड कर लेंगे, पर हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि थनों में थन बंद है, पूरा दूध नहीं है थनों में, और थन उल सख्त भी है इसका, तो उसके लिए इसकी ट्रीटमेंट चलेगी, और बच्चे को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि दूध उसको भी ज़रूरी है अभी ना। मैं भी इस बात से बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि लोग गाय का अभी दूध वगैरह ये करके फिर उसको छोड़ रहे हैं, बहुत बहुत बुरी बात है। पशुओं को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आदमी है वैसे ही तो पशु है। यहाँ तो करने देती है आराम से, ये जैसे मर्जी करे इसको, ठीक है। बटाटा हमारे पास 6 months पहले आई थी, 2 injuries के लिए, एक इस पे नेक के पास इंजरी थी और एक थनों के बीच में इंजरी थी, वो दोनों इंजरीज ठीक हो गई हैं। उसके बीच में ही इसको एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मस्टाइटिस की, जो हमारी कोइंसिडेंटल फाइंडिंग थी, और वो भी अब ठीक हो चुका है मस्टाइटिस का, और अभी रेडी टू रिलीज है। जाने का मन नहीं चलो, वड़ू वड़ू बटाटू वड़ू, चलो घूमो फिरो ऐश करो मित्रों। मुझे अभी अभी नेहा ने फोन किया है, उस दिन हमने देखा नहीं था ट्यूमर टाइप ग्रोथ थी, कि हॉस्पिटल से चेक करने आए हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं है, वो पोल एंड रोप से लेके आए हैं। पोल एंड रोप से बगीचा को पकड़ लोगे आप? हम लेके आए थे, पहले उसको इतना एजिटेट कर दिया है, पहले मुझे तो बुला लो ना, पहले सब उसके सामने चले गए, वो एजिटेटेड है, अब सब बाहर जाओ। हीरा छोड़ दो निकल जाए, मैं तो इस समय देखो नहीं पकड़ सकता, मेरा घुटना और रखा है डैमेज, और मैं उसको हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, और वो छूटेगा और जिसका हाथ वो मुंह में लेगा मजल हम उसको लगा नहीं पाएंगे। थोड़ा ऐसी दवाई खिलाओ कि थोड़ा 50% तो सुस्त हो जाए, क्योंकि इसको ज्यादा छेड़ेंगे तो ये भैया को भी हाथ देगा लगाने। फिर मेरा तो ये भी कंसर्न है, इसके इतने तो बाल है, मुझे तो लगता भी नहीं कि चुपके से सुई नहीं लगा पाएंगे हम इसको, उसमें तो मुश्किल होगी।